तो दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर श्री जैन फरियाली सेंटर पर आलू साबुदाने की खिचड़ी यहाँ पर किस तरीके से बनाई जाती है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ये साबुदाना है। तो भैया कितना टाइम इसे गलाना पड़ता है? 10-12 घंटे। 10-12 घंटे दोस्तों यहाँ पर भैया बता रहे हैं कि साबुदाने को 10 से 12 घंटे तक यहाँ पर पानी के अंदर गलाया जाता है, जिससे क्या है ना दोस्तों ये साबुदाना नरम हो जाता है। देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर, ये भैया बता रहे हैं इस तरीके से साबुदाना बिल्कुल दब जाना चाहिए। दोस्तों ये साबुदाना हमारा गला लिया गया है, 10-12 घंटे हो चुके हैं। जो आपको यहाँ पर मसाला दिख रहा है, इसके अंदर कई प्रकार के दोस्तों मसाले हैं, जिसके अंदर बहुत ही अच्छा स्वाद आता है एक साबुदाना फरियाली खिचड़ी के अंदर। तो अंकल भैया क्या क्या रहता है इसके अंदर? गरम मसाला रहते हैं, सेंधा नमक रहता है, और भी मसाले रहते हैं अलग अलग तरीके के। कई प्रकार के दोस्तों इसके अंदर मसाले रहते हैं, जैसा कि भैया हमें यहाँ पर बता रहे हैं, जैसा कि इसके अंदर सेंधा नमक होता है, और क्या होता है भैया? गरम मसाला रहता है, और भी होता है गरम मसाले रहते हैं, और कई प्रकार के मसाले रहते हैं, शक्कर रहती है भैया, जैसा कि हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो दोस्तों अब इस मसाले को इसके अंदर डाला जाएगा, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं हमें और यहाँ पर वीडियो देखना, तो आप हमें कमेंट में जाकर बताएं, जो भी आप जाकर भी हमें वीडियो बोलेंगे हम वहां पर जाकर बनाएंगे, शूट करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे साबुदाने को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया गया है। दोस्तों आज हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं श्री जैन फरियाली सेंटर की स्पेशल यहाँ पर साबुदाना खिचड़ी, जो कि दोस्तों महाशिवरात्रि पर बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है, उपवास में दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा खाई जाती है खिचड़ी। दोस्तों हमारे यहाँ पर सारे साबुदाने मिक्स होकर अच्छे से, मतलब सारा जो भी हमने आपको मसाला बताया था वो डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया गए। अब दोस्तों भैया बता रहे हैं इस आलू को अभी इसके अंदर नहीं डाला जाएगा, इसे अच्छे से यहाँ पर मेश करके इनका जो स्टॉल लगाते हैं ये श्री जैन फरियाली सेंटर, वहां पर लेकर जाएंगे, और जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर डिमांड होगी इस खिचड़ी की, उस हिसाब से इसके अंदर आलू डालकर सर्व किया जाएगा। तो दोस्तों अब इस खिचड़ी के अंदर एक अलग से तड़का लगाया जाता है, तो वो हम देख लेते हैं किस तरीके से तड़का लगाया जाता है, क्या क्या उस तड़के के अंदर रहता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक तरीके से तड़का लगाया जा रहा है इन साबुदाने के ऊपर, जिसमें भैया क्या क्या ये है? जिसमें हरी मिर्ची है, जीरा है, हरी मिर्ची है, जीरा है दोस्तों, और तेल है। अब दोस्तों इस तड़के को यहाँ पर आप देख सकते हैं साबुदाने के ऊपर डाला जा रहा है। देखिए दोस्तों आधा यहाँ पर डाल दिया गया है, अब दोस्तों इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर दिया जाएगा। दोस्तों उपास और व्रत में बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाने वाली चीज फरियाली खिचड़ी आज हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर उज्जैन में सराफा बाजार में श्री जैन की फरियाली खिचड़ी किस तरीके से बनाई जाती है आज हमने वो आपको बताया। तो भैया ये कंप्लीट हो चुकी है? हाँ, इसमें बस अब एक्चुअली गुरुवार है ना, तो कम रहता, थोड़ी शक्कर क्या डालने से क्या पानी छोड़ देता एकदम माल, तो थोड़ी शक्कर अभी डाली नहीं है। तो दोस्तों भैया अभी बता रहे हैं यहाँ पर कि अभी इसके अंदर शक्कर डाली नहीं गई है, तो डे बाई डे ये यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर माल बनाया जाता है। जैसे आज वेनसडे है तो इस हिसाब से थोड़ा क्वांटिटी कम बनाई जा रही है। अब इसके अंदर दोस्तों शक्कर आएगी। अब दोस्तों जो हमारा यहाँ पर साबुदाना आपको दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ पर पीसी हुई शक्कर डाली जा रही है, देख सकते हैं दोस्तों आप, जैसा कि यहाँ पर पीसी हुई शक्कर डाली जा रही है। भैया शक्कर डालने का रीजन क्या है इसके अंदर? क्या था ना, मालवा सही था ना भैया, थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट पसंद करते लोग यहाँ पे, तो उस हिसाब से थोड़ी शक्कर डालते हैं। क्या होता है ग्राहकों को थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट ही पसंद आता है। दोस्तों फरियाली खिचड़ी के अंदर यहाँ पर शक्कर डालने का एक कारण ये है, मालवा में लोगों को खट्टा मीठा स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, जैसा कि आज हम आपको बता रहे हैं उज्जैन में। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मालवा में, मैं भी ये चीज जानता हूँ, मालवा में लोगों को खट्टा मीठा स्वाद बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिसमें दोस्तों अभी यहाँ पर मीठे के लिए यहाँ पर शक्कर डाल दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर से हमारी ये खिचड़ी जो भी वर्क था पूरा कम्प्लीट हो चुका। दोस्तों भैया हमें यहीं पर आलू भी डालकर बता रहे हैं इसके साबुदाने के अंदर, देख सकते हैं दोस्तों जो आलू यहाँ पर बॉइल्ड करा हुआ हमारा रखा हुआ था, उस आलू को जो हमने खिचड़ी के अंदर आपको मसाले कई प्रकार के डालकर बताया उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर, देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर आलू अच्छी तरीके से मिक्स किया जा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर। भैया आप यहाँ पर ग्लव्स का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? वो क्या था, तेल उकलता हुआ रहता एकदम, वो क्या माल मिलाने में ग्लव्स चेट जाते, रबड़ के प्लास्टिक के रहते ना, तो फट जाते पूरे के पूरे, उस चक्कर में वो पूरा चिपक जाता एक दो बार, वो गर्म रहता ना उकलता हुआ तेल एकदम, देख सकते हैं दोस्तों एकदम गर्मा गर्म यहाँ पर तेल रहता है, इस वजह से यहाँ पर रबड़ का ग्लव्स उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ग्लव्स चिपक जाता है, फट जाता है बहुत सी बार, इस वजह से दोस्तों हाथों का उपयोग करते हैं यहाँ पर भैया बता रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार से पूरी यहाँ पर खिचड़ी को मिक्स कर लिया जाएगा आलू मिलाकर,
तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फरियाली खिचड़ी बनाई जाती है, जो कि दोस्तों ग्यारस पर, शिवरात्रि के पर्व पर और दोस्तों जिस भी दिन उपवास व्रत होते हैं उस दिन इस खिचड़ी को बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है। तो दोस्तों एक बार आप जरूर आए और ट्राई करें, फरियाली खिचड़ी किस तरीके से बनाई जाती है वो आज हमने आपको बताया। अब दोस्तों यहाँ पर से भैया के स्टॉल पर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मसाले डाले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देख, दोस्तों हम आप यहाँ पर शॉप पर आ चुके हैं, देख सकते हैं दोस्तों हमारी यहाँ पर खिचड़ी भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। भैया ने इसके ऊपर गार्निशिंग, धनिया की गार्निशिंग भी कर दी है। तो दोस्तों एक कंटेनर के अंदर यहाँ पर पानी रख दिया गया है जो कि बॉइल्ड हो चुका है। अब दोस्तों इस खिचड़ी को यहाँ पर से उठाकर इसके ऊपर रखा जाएगा और दोस्तों अब ये जो खिचड़ी है वो स्टीम से यहाँ पर रेडी होगी। देख सकते हैं दोस्तों गैस भी यहाँ पर रेडी हो, मतलब तेज कर दिया गया है। अब दोस्तों खिचड़ी जैसे हमारी यहाँ पर गर्म होती है फरियाली खिचड़ी, उसके बाद में हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि इसे किस तरीके से सर्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर फरियाली खिचड़ी के साथ में यहाँ पर फरियाली आलू की टिकिया भी मिली जाती है, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से बनाई जाती है। दोस्तों अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं आलू की टिकिया दोस्तों, जो कि दोस्तों यहाँ पर फरियाली टिकिया होती है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर गोल गोल बॉल्स बना ली जाती है। भैया क्या क्या होता है इसके अंदर? इसमें आलू होता है, सेंधा नमक होता है और राजगिरे का आटा होता है पकड़ बनाने के लिए उसको, ताकि वो फैले नहीं, बिखरे ना, जिससे आलू की जैसे अपन टिकिया बनाते और तेल के अंदर डालते तो बिखर जाती है। इसके अंदर दोस्तों कई प्रकार के और भी आलू के साथ में चीजें डाली जाती है। अब दोस्तों इसे गोल गोल, इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी लोहिया बना ली गई है। अब देखते हैं दोस्तों इसे किस तरीके से टिकिया का शेप दिया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर भैया के पास एक साचा है उस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर ये टिकिया का बिल्कुल शेप बन चुका है। ये देखिए दोस्तों हमारी दूसरी टिकिया भी यहाँ पर, जो कि दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर फरियाली टिकिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर से ये इस तवे के ऊपर फ्राई होने जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो कंटिन्यू यहाँ पर इसी तरीके से टिकिया बना बना कर डाली जाती है। भैया कौन से ऑयल में बनाते हैं आप इसे? घी में बनाते हैं, तेल में बनाते हैं, काई में बनाते हैं? सनफ्लावर ऑयल में बनाते हैं आप यहाँ पर इसे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर भैया क्या प्राइस है इस टिकिया का? 30 रुपीज दोस्तों प्राइस है ये, जो कि दोस्तों बिल्कुल फरियाली होती है। हम इसे बताते हैं दोस्तों किस तरीके से सर्व किया जाता है यहाँ पर। ये जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगी दोस्तों इसे एकदम क्रिस्पी फ्राई किया जाएगा। दोस्तों ये जैसे ही फ्राई हो जाती है उसके बाद में देखते हैं, जब तक हमारी खिचड़ी भी दोस्तों यहाँ पर रेडी हो रही है। देख सकते हैं दोस्तों खिचड़ी में से भी धुआं आना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों खिचड़ी के ऊपर अलग से भी मसाले डाले जाएंगे और किस तरीके से सर्व किया जाता है वो भी देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर टिकिया को पलटाया जा रहा है, एक अलग ही कलर आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं एकदम शेलो फ्राई हो चुकी है ये, बहुत ही अच्छा दोस्तों यहाँ पर कलर आ चुका है। इसे बादामी कलर तक आने तक इसे सेका जाएगा दोस्तों, अच्छे से फ्राई किया जाएगा। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर फिर दोस्तों इसे इस तरीके से प्रेस कर तेल के अंदर डाला जाएगा और फिर इसे और क्रिस्पी किया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों हमारी ये पूरी एक टिकिया बनकर रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों हम एक तरीके से खिचड़ी भी यहाँ पर एक प्लेट लगवा कर आपको दिखा देते हैं और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक टिकिया भी बनवा कर बता देते हैं, जो कि दोस्तों दोनों यहाँ पर फरियाली है। सबसे पहले दोस्तों दोना ले लिया गया है यहाँ पर, उसे टिकिया को अच्छे से खोल दी गई है। भैया क्या, कौन सा मसाला डाला आपने? ये फरियाली मसाला। फरियाली मसाला क्या होता है इसके अंदर? इसमें वही आपने गरम मसाले रहते हैं और सेंधा नमक रहता है और भी तरह के आप मसाले डाले रहते हैं। गरम मसाले और कई तरीके के इसके अंदर सेंधा नमक और खड़े मसाले होते हैं। दोस्तों इसके अंदर मसाला डाल दिया गया फर्स्ट में। अब दोस्तों इस टिकिया के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी दोस्तों यहाँ पर ये खिचड़ी डाली जाएगी। खिचड़ी डाल दी गई है दोस्तों जो कि फरियाली है। अब ये हरी चटनी डाली जा रही है दोस्तों इसके अंदर जो कि तीखी वाली है। ये अमचूर की चटनी डाल दी गई है दोस्तों। ये क्या चीज डाल रहे भैया? खिचड़ी का मसाला। ये खिचड़ी का मसाला डाला जा रहा है अब दोस्तों इसके अंदर। और दोस्तों लास्ट यहाँ पर आलू के लच्छे डाले जा रहे हैं, जो कि दोस्तों हमारी यहाँ पर फरियाली
आलू टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है। क्या प्राइस है भैया इसका? 30 रुपीज। 30 रुपीज दोस्तों इसका प्राइस है। अब दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता देते हैं फरियाली खिचड़ी किस तरीके से लगाई जाती है। अब दोस्तों हमारी यहाँ पर फरियाली खिचड़ी लगाई जा रही है, जिसके अंदर खिचड़ी ले ली गई है। वही दोस्तों यहाँ पर खिचड़ी का मसाला डाल दिया गया है, आलू के लच्छे डाल दिए गए हैं, नींबू रख दिया गया है और दोस्तों हरा धनिया डाल दिया है। कंप्लीट हो गई है भैया ये। क्या प्राइस है इसकी? 25 रुपीज दोस्तों यहाँ पर खिचड़ी की प्राइस है। और दोस्तों आलू टिकिया यहाँ पर जो कि फरियाली रहती है वो 30 रुपए। दोस्तों ये हमारी आलू टिकिया है और ये हमारी फरियाली खिचड़ी है दोस्तों, जो कि शिवरात्रि का पर्व मतलब शिवरात्रि आने वाली है उसमें बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाने वाली चीज है। एक बार आप जरूर आए श्री जैन फरियाली सेंटर पर। दोस्तों देख सकते हैं हमारी यहाँ पर आज हमने आपको बताया खिचड़ी किस तरीके से बनाई जाती है, साबुदाना फरियाली खिचड़ी दोस्तों, जो कि बनकर रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं इसमें सबसे पहले। नींबू डालने के बाद इससे और भी अच्छा इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। दोस्तों वास्तव में बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। आप उपास और व्रत में ये खिचड़ी खा सकते हैं, जैसा कि आज हमने आपको बताया किस तरीके से बनाई जाती है। एक बार और खाऊंगा दोस्तों मैं। दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, एक बार आप जरूर आए उज्जैन और ट्राई करें। और दोस्तों आप सभी को महाशिवरात्रि के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल।